तो गाइज फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर। तो गाइज अभी सूर्य उदय हो चुका है। गुड मॉर्निंग गाइज, चूड़दार की इन हसीन वादियों से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना हिमाचली धड़कन में। इस सराय में रुके थे हम रात को, और ये सराय हैं सारे, और ये शॉप्स है, इधर खाना मिलता है इनमें, और वहाँ पर बिल्कुल महादेव का मंदिर है। अभी दिखाता हूँ क्लोज जाकर। ये जो पीछे दिख रहा है गाइस, ये है शिरगुल महादेव का मंदिर। नजर पड़वा छाड़े रख सब पक्का फिर पाछे पकड़ा पाले के चीज जाए खाने। तो गाइस ये हिमाचल की संस्कृति की छोटी सी झलक है। तो गाइस अभी फिर से सब रेडी हैं ऊपर चूड़धार की चोटी में जाने के लिए। तो गाइस अभी हम बहुत बड़े चट्टान में चढ़े हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहा है, अलग ही हर हर महादेव, अलग ही फीलिंग है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो गाइस इसकी स्टोरी है तो ये भाई जी बताएंगे, इनको पता है यहाँ की स्टोरी, मेरे को नहीं पता। ये जो पत्थर है जो बताया गया है, चूरू महाराज का परिवार अच्छा है, ये मतलब यहाँ से किसी वक्त भाई आत्महत्या कर रहे थे तो उनको मतलब श्रापित किया था। बहुत बड़ी चट्टान है, मतलब ये पूरा परिवार एक जगह श्रापित हुआ है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से काफी हाइट है ना, बहुत बड़ी चट्टान है यहाँ से देख सकते हैं आप। मुझे भी डर लग रहा है, बहुत खाई है। ये देखो गाइस खाई नीचे, अगर कोई गया तो खत्म, डर लग रहा है कि घूम रही है। और हम अभी और यहाँ से चढ़े हैं ऊपर, इस चट्टान से चढ़ के ऊपर आए हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान हैं। जय बोले। तो गाइस वो रहा वंशु, वो भी चढ़ गया ऊपर, भाई खतरनाक है, 8 साल का बच्चा भी चढ़ गया इस पहाड़ी पे। तो गाइस अभी इस पहाड़ी पे चढ़ के उतर गए हैं, अब चलते हैं ऊपर की ओर। गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ शिव जी की मूर्ति के पास। तो गाइस सेकंड टाइम फिर से दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। इस हाइट पर पहुंचने के बाद अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही नजारा है। गाइस यहाँ से अल्टीमेट नजारा दिखता है। तो गाइज अब हम यहाँ से दर्शन करके वापिस जा रहे हैं घर की ओर, तो चोरधार को करते हैं बाय बाय और चलते हैं। वंश बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है। मजा आया? बहुत मजा। ये क्या है हाथ में? हाथ में क्या रखा है? अच्छा, उस पत्थर में चढ़ते हुए कैसे आया लगा था? बहुत अच्छा, थोड़ा डर भी लग रहा होगा। क्यों, मेरे को कहाँ डर लग रहा था? गाइस माना जाता है कि यहीं से बर्बरी के शेर ने पूरा महाभारत देखा था। तो यहाँ से कुरुक्षेत्र दिखता है बोलते हैं, बट अभी पूरा फॉगी फॉग है चारों तरफ, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइस हमारी सेना जा रही है वापस घर की ओर। फॉग ही फॉग थी, अभी वहाँ पे धूप आ चुकी है, तो यहाँ पे गाइस पता नहीं लगता मौसम का, एकदम से चेंज होता है। इससे भी ज़्यादा मौसम चेंज देखने को वहाँ श्रीखंड में। तो गाइस इस पहाड़ी पे ना छोटे छोटे फूल लगे हुए, पीले लाल वाइट कलर के, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गाइस पीछे का सीनरी बहुत ही औसम है, ऐसा लग रहा है हम आसमान में और जमीन नीचे है। ये देखो गाइस, ये चट्टानों के बीच से आ रहा है पानी, और यहाँ का पानी फ्रिज के पानी से भी ठंडा है, मीठा भी है वो। गाइस व्हाइट कलर की भैंस,
यार ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी, अपने लाइफ टाइम में पहली बार देखी व्हाइट कलर की है। और एक व्हाइट कलर की एक और भैंस है वहाँ पे, ये व्हाइट कलर। भाई गाइस यहाँ तो अलग ही कलर की भैंस देखने को मिली यार, व्हाइट कलर की मैंने तो कभी देखी नहीं थी। व्हाइट कलर की मैंने देखी थी सिर्फ ब्लैक और ब्राउन कलर की। व्हाइट कलर की भैंस होती है आज लगा पता, मैं चूड़धार नहीं आता तो लगना था पता। तीसरे पड़ाव के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से जा रहे हैं। तो गाइस अभी इन बच्चों को मैंने अनार दिया, एक अनार बचा होता सिर्फ, और कुछ होता तो देता मैं इनको, और बट था नहीं मेरे पास ना, क्या करें, क्योंकि ये है गुजर के बच्चे जो यहाँ पे भैंसे भूसे चराते ना, और यहाँ जंगल में रहते हैं, इनका नीचे यहाँ घर थोड़ा, तो पता नहीं कैसे यहाँ रहते हैं इतने बड़े जंगल में। यहाँ से राशन लाने को भी बहुत नीचे से चलना पड़ता है, कम से कम 8 किलोमीटर लगभग होगा। तो गाइस पहुँचने वाले हैं हम पहले पड़ाव में, यहाँ पर हम कुछ मैगी मुगी खाएंगे ब्रेकफास्ट के तौर पर, क्योंकि अब मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है और दिन के बज चुके हैं 11:30। यहाँ पर मैगी ऑर्डर की है मैंने खाने के लिए। और यहाँ पर रहने का सिस्टम भी है, 250 रुपये पर बंदा खाने के साथ वन नाइट। आधार से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा और चूड़धार की यात्रा के लिए। तो गाइस मेरी मैगी ये रही, तो गाइस अभी खा ली है मैगी और हमारे दोस्त लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये खा रहे ये, इनने पता नहीं क्या खाया और यहाँ पे मत फेंको इनको। तो गाइस रेस्ट हो गया है बहुत, अब चलते हैं। तो गाइस घर दिखने शुरू हो चुके हैं, ये नौराधार का गांव, और थोड़ा नीचे बाजार है, अभी थोड़ा फॉग है इसके कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा साफ। गाइस अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है रिमझिम हल्की फुल्की, अब नौराधार पहुंचने के लिए सिर्फ हमारे को 10 से 15 मिनट लगेंगे, उतने तक रुक जाती तो बारिश सही था। हमारी यात्रा भी, हमारी ट्रैकिंग बोले जाए यात्रा, सफल हो जाती। तो गाइस और नज़दीक आ चुके हैं हम नौराधार के पास। तो गाइस अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं नौराधार, और अभी बारिश भी शुरू हो गई है। तो गाइस शुक्र है यात्रा के दौरान बारिश नहीं हुई, वरना मुश्किल होती बहुत ज़्यादा यात्रा। ये रहा गेट जहां से हमने यात्रा शुरू की थी, अभी फिलहाल हम इस लैंटर के नीचे रुके हुए हैं, बारिश हो रही है तेज़। तो गाइस झमाझम बारिश हो रही है और मीनू बस लगी है, हम इसमें जाएंगे और कुछ लोग पीछे रह गए हैं तो बाद में आएंगे। तो चलते हैं गाइस घर की ओर। फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर अपने। तो गाइस अगर आपको चूड़धार ट्रैकिंग सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।